फिर परिणाम क्या देखेंगे? फिर परिणाम क्या देखेंगे? यदि हमने अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ा, यदि हमने अपने क्रूस को नहीं छोड़ा, यदि हम अपने क्रूस को नहीं उठाया, अपने आप का इनकार नहीं किया, तो हम यीशु के पीछे कभी नहीं चलेंगे और स्वर्ग राज्य में वही लोग होंगे जो यीशु के पीछे चलते हैं। यीशु के पीछे चलना सीखे, परमेश्वर के इस उत्तम भाग को अपने जीवन में ले लीजिए। आज समय कितना बड़ा बलिदान, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा परिणाम, जितना बड़ा बलिदान उतना बड़ा परिणाम। अब्राहम जी ने बड़ा बलिदान किया और आशीषें भी परमेश्वर ने बड़ी आशीषें दी। बलिदान बड़ा, आशीषें बड़ी। आपके लिए भी रूल सेम ही है, आपका भी बलिदान बड़ा होएगा और आशीषें बड़ी है। और उस बलिदान से भी बड़ा जो बलिदान के बारे में अभी बताने जा रही हैं, वो बलिदान परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत पे भेज के कर दिखाया। और वो बलिदान किसी मनुष्य का नहीं, वो बलिदान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम उद्धार करता है, जिसका नाम शांति देने वाला है, जिसका नाम बचाने वाला है। सारी तंगी मुसीबतों वो हमें छुटकारा देता है और वो नाम है यीशु नाम। आमीन। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा ताकि हम सब उद्धार को प्राप्त करें, अंधकार के वश में से हम छुड़ाए जा सके, पाप में से हम छुड़ाए जा सके। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र लहू बहा दिया, वो बलिदान था, बहुत बड़ा बलिदान था। वचन कहता है कि यीशु के देह के अंदर कुछ भी ना रहा, जहां तक एक बूंद लहू की भी ना रही, वो लहू की बूंद भी वो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान कर दी, ताकि हम लोग बचाए जा सके, ताकि हम लोग पाप से छुटकारा प्राप्त कर सके। वो इकलौता बलिदान जो संसार में आज तक जितने लोग आए हैं ना उनमें से किसी ने किया है, और जो लोग आ चुके हैं ना उनमें से किसी ने किया है, और ना जो आने वाले हैं उनमें से कोई कर सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह के बड़े बलिदान के द्वारा बड़े जगत ने, सारे जगत ने उद्धार पा लिया, सबके लिए लहू बहाया, छोटे से लेके बुजुर्ग तक, ताकि सब लोग स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सके। उसके बलिदान को समझे। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ा बलिदान किया ताकि हम बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सके, ताकि हम स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सके, ताकि हम दाऊद के घराने का जो 12 गोत्र है दाऊद के, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह ने पतरस जी को बोला, जिस टाइम पतरस जी ने कहा कि हम सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे हो ले हमें क्या मिलेगा, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला था कि वो लोग जो होंगे वो मेरे सिंहासन के साथ जब बैठेंगे तो दाऊद के 12 गोत्रों का न्याय वही लोग करेंगे। आमीन। आज परमेश्वर कितना महान है, कितनी दया है, कितना बड़ा बलिदान। स्वर्ग का मार्ग, जो मार्ग बंद था प्रभु यीशु मसीह के इस मरने से पहले, जो परमेश्वर का पवित्र वचन था, वो सिर्फ इजरायलियों के लिए ही था। जिस समय यीशु मसीह मर गए और हैकल का जो पर्दा था दो हिस्से फट गया था, और ये वचन पूरे संसार में फैलने लगा, और आज ये वचन सबसे ज्यादा पूरे संसार में फैल रहा है, और सबसे ज्यादा ये वचन सफर कर रहे हैं बड़ी तेजी के साथ, बड़ी रफ्तार।
मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया, इसलिए ये वचन लोगों तक पहुंच रहा, प्रभु यीशु मसीह का शब्द लोगों तक पहुंच रहा है, और जितने भी लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं वो उत्तम भाग को ग्रहण कर रहे हैं, जितने भी लोग इस वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जितने भी लोग इस वचन को अपने जीवन में ले रहे हैं वो उसकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, और वो यीशु नासरी की दाहिनी ओर बैठेगी पवित्र कलीसिया, और वो यीशु की दुल्हन होगी, उसमें ना कोई दाग होगा और ना ही कोई झुर्री होगी। बलिदान करें अपने आप को। बलिदान, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को छुरियों से, कांटों से, नीचों से बलिदान कर लो। बलिदान ये नहीं, बलिदान ये है कि पर प्रभु यीशु के साथ अपने समय को बताएं। बलिदान ये है कि आप हर संडे, हर वीरवार आप प्रभु के भवन में आइए और परमेश्वर के पवित्र वचन को सुने और परमेश्वर के शब्दों को सुने कि आज परमेश्वर का वचन मुझे क्या कह रहा है। बलिदान वो है प्रभु यीशु के लिए सारे काम काज को छोड़ के यीशु के चरणों में बैठे कि प्रभु यीशु आज मुझे वचन से सीखना है, आज मुझे वो जीवन की रोटी को अपने जीवन में लेना है, आज मैं उस उत्तम भाग को ले लूंगा अपने जीवन के अंदर। अपने ब्याह को छोड़कर कभी यीशु मसीह के पीछे चल के देखिए। जिस दिन आप अपने रिश्तेदारों का ब्याह छोड़ोगे ना, कि आज प्रभु यीशु मसीह कितना खुश होंगे, प्रभु यीशु मसीह उस बलिदान को आपको देखेंगे। पर लोग क्या करते हैं, लोग यीशु को छोड़ देते हैं। आज मीटिंग है, नहीं मेरी चाची गुस्से हो जाएगी, मेरी ताई गुस्से हो जाएगी, मेरा ब्याह में जाना जरूरी है। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहेंगे, तेरा दुल्हन बनना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक चीज को चुनना। जहां तो संसार को चुन लो या फिर परमेश्वर को चुन लो। जहां संसार को, जो लोग संसार को खुश कर सकते करते हैं वो परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए संसार कुछ भी कहता है, मुझे बहुत सी बातें अपनी ड्यूटी पे सुनने के लिए मिलती हैं, जबकि मैं एक अच्छी ऑफिसर हो गई हूँ, अब तो मैं सुपरवाइजर भी बन गई उनकी, फिर भी सुनने के लिए मिलती है, पर मैं उन बातों का ध्यान नहीं देती, सारी बातों के एक्साइट कर देती। लोग कहेंगे संसार में ऐसा आता, तुम ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, ऐसे किया करो, मैं चुपचाप बैठी रहती। मुझे पता है वो लोग वचन को नहीं जानते, पर मैं तो वचन को जानती हूँ, मैं वचन को जानती हूँ, मुझे संसार के साथ सहमत नहीं होना। मेरी दौड़, मैंने उनको बताया है, मेरी दौड़ स्वर्ग तक है, मैंने स्वर्ग जाना है, मैंने यीशु के साथ बैठना है। आज छोटे छोटे बलिदानों के ऊपर परमेश्वर ध्यान दे, छोटी छोटी बातों के। हम सोचते हैं हमारे लिए ये बहुत बड़ी बातें हैं, आप जहाँ छोटी बातें समझें इनको अपने जीवन में, छोटी छोटी बातों के ऊपर परमेश्वर का वचन कहता है छोटी छोटी लोमड़ियों को पकड़ लो, ताकि ये वाटिका को खराब ना कर दे, उस गार्डन को खराब ना कर दे। परमेश्वर ने हमें इस सुंदर जगत के अंदर बनाया, यदि हम सोचे कि इस जगत अच्छा है तो जगत अच्छा है। जिस समय परमेश्वर ने अब आदम जी को और हवा जी को अदन की वाटिका के अंदर रखा था, तो परमेश्वर ने दोनों को वहाँ पर काम करने के लिए रखा था, वाटिका की देखभाल करने के लिए कर रखा था। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमसे यही कहते हैं कि आत्माओं की केयर करो, आत्माओं की केयर करें। इस जगत के अंदर जितनी आत्माएं, हम सबको जो भटकी हुई आत्माएं, जो अंधकार के वश में हैं, उन्हें जाकर पवित्र शास्त्र बताएं, उन्हें जाके प्रभु के वचन बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने देखो आपके लिए कितना बड़ा बलिदान कर दिया, और यही बलिदान आपके जीवन में परिणाम लेकर आएगा आशीषों का, यही बलिदान आपके जीवन में
आशीषों का परिणाम लेकर आएगा। यही बलिदान आपके लिए चंगाई का परिणाम लेकर आएगा। यही बलिदान आपको स्वर्ग लेकर जाएगा। इस बलिदान के ऊपर ध्यान दें। सब कुछ भूल जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपके दाएं बाएं, सिर्फ उसमें लौलीन हो जाएं, सिर्फ उसके वचन की ओर ध्यान दें। अपने आप को सोचें कि आज ही से मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दूंगा, आज ही से मैं परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर, सारे संसार को एक तरफ कर, अब मैं इन मौज मस्तियों में, अब मैं शराब खाने में, अब मैं नशे में, अब मैं अपनी हॉस्पिटल के अंदर बीमारियों के ऊपर, बीमारियों के अंदर अपने जीवन को खराब नहीं करूंगा, परंतु मैं अपने जीवन को प्रभु यीशु की महिमा के लिए इस्तेमाल होने दूंगा। एक अच्छा बलिदान, चुनाव। आज मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर ने शायद चुनाव ही रखा है आप लोगों के लिए। चुन ले आज कि आप लोगों को कहाँ जाना है, क्या चाहिए, यीशु के संग बैठना है कि नहीं बैठना है, यीशु की दुल्हन बनना है या नहीं बनना है। यीशु के लिए वह बलिदान कर। अब मनुष्य के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, कभी किसी फंक्शन में जाते हैं, बर्थडे हो, हम अच्छे से अच्छा गिफ्ट लेकर जाते हैं, सब कुछ करते हैं उनके लिए। ड्यूटी से भी उस दिन पहले आ जाएंगे, चर्च जाना होगा ड्यूटी से पहले नहीं आएंगे, जब ड्यूटी खत्म होगी तभी जाएंगे। पर किसी की शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, तो पहले ड्यूटी छोड़ के आप वहां पहुंचे। ये सारी चीजों को छोड़ दो, ये बातें यही रह जाएंगी और आपको भी यही रख लेंगी। हमारी दौड़ स्वर्ग तक है, हमें स्वर्ग जाना है, हमें उत्तम हिस्से को चुनना है। हमें डूबते डूबते भी, यदि अब पत्रस की तरह डूबते डूबते भी अपना हाथ यीशु की ओर बढ़ा देंगे और यीशु आपके हाथ को थाम लेंगे। कितना महान परमेश्वर है, कितनी बड़ी दया है, सब कुछ तो कर दिया यीशु मसीह ने, अब बारी हमारी है। प्यार कभी एक तरफा नहीं होता, प्यार दोनों तरफा होता, तभी मैरिज लाइफ सफल होती है। नहीं, अगर मैरिज लाइफ में एक ही तरफ प्यार हो तो कभी मैरिज लाइफ सफल नहीं हो सकती। कोई भी सिर्फ मैरिज लाइफ ही नहीं, सिर्फ लव मैरिज ही नहीं, कोई भी मैरिज सफल नहीं होती। मैरिज लाइफ तभी सफल होती है जिस टाइम पति पत्नी दोनों की तरफ से प्यार हो। हम भी स्वर्ग तभी जा सकते हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन सकते हैं। उस समय यीशु ने तो हमसे प्रेम किया, अब बारी हमारी है, हम यीशु के लिए कैसा प्रेम करते हैं। अब्राहम जी ने प्रभु यीशु परमेश्वर को प्यार करके दिखाया और लास्ट में एक बात लिखी हुई कि इसलिए तुझे आशीष दी गई है क्योंकि तूने मेरी बात माननी है। हम संसार की बात मानते हैं, जिस टाइम हम परमेश्वर की बात मानेंगे, जिस टाइम हम पवित्र शास्त्र की बात को मानेंगे, उस टाइम वह हमारा बलिदान परिणाम ले आएगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ परमेश्वर आपको आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष दी देंगे और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का वचन आपको कैसा लगा और मैं जरूर आपके कमेंट को पढ़ूंगी। आइए अब भेंट लेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है। ये भी मेरे भाइयों मेरी बहनों एक बलिदान है जो आप यीशु के राज्य को भरने के लिए दे रहे हैं। धन का बीज भी सब लोग नहीं पी सकते। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज आप प्रभु के लिए क्या बीजना चाहते हैं। प्रभु आप अपने बच्चों की अगुवाई कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए, मुझे हिजाब दीजिए कि आज मैं कुछ खास आपके लिए बीज पाऊँ, आपके राज्य के लिए, ताकि बहतेरी आत्माएं बचा ली जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य और ज़्यादा बढ़ जाए। आमीन।